शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपने दस्तूर कदीम के मुताबिक जो अंबिया भेजे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर जमा आए उनके बाद दुनिया को राय रास्ते पर रखने के लिए, हक को सदाकत पर रखने के लिए अपने वलियों को भेजा। वलायत का दरवाज़ा मौलाए कायनात से शुरू होकर के ख्वाजा हसन बसरी से होकर के तमाम औलिया बुजुर्गान दीन पर होता हुआ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती पर पहुंचा। सरकार गरीब नवाज की पैदाइश 532 हिजरी के अंदर हुई जब वहाँ अफरा तफरी थी, हालात बहुत ख़राब थे और चंगेज़ खान हलाक और तातारियों का बड़ा जुल्म था। अल्लाह ताला ने इन तमाम हालात से निमटने के लिए अपने एक वली कामिल बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को संजर के शहर में, जो सीस्तान उसका कस्बा है, उसमें आपको पैदा किया। ये संजर ईरान और इराक के बीच में एक जगह है, सिस्तान, उसी के शहर का नाम संजर है। आपकी पैदाइश के वक्त हालात नासाज थे और तमाम लोग डर और दहशत से मकानात घर छोड़ कर के जंगलों में रहते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपकी पैदाइश बरोस पीर 14 रजब चांदनी रात सुबह शादी का वक्त और आपकी पैदाइश हुई। आपकी पैदाइश की बरकत से तातारियों मंगोलों के दिल में रहम आ गया और आपकी इंसानियत जाग गई। आपके वालिद वालदा ने आपका नाम हसन रखा, जो आपका पैदाइशी नाम है, हसन है। और उसके बाद जब उन लोगों ने ऐलान करा कि आज से हम बादशाहत करेंगे, हुकूमत करेंगे, जो लोग जंगलों में जाकर छुप गए हैं वो अपने मकान में, अपने घरों में आकर रहने लग जाए, तो आपके वालिद वालदा भी अपने कस्बे के लोगों के साथ में अपने मकान में आ गए। सरकार गरीब नवाज की परवरिश शुरू हुई और क्योंकि आप साहिब हैसियत थे, बागवानी करते थे और पवन चक्की थी, ऐसे वगैरह की कमी नहीं थी, अल्लाह का दिया सब कुछ था। एक मरतबा आप छोटे पद में ही ईद के दिन जा रहे थे, तब कोई आपका दोस्त बच्चा गरीब मैले कपड़े फटे कपड़े पहने हुआ था, तो आपने उसको अपने कपड़े उतार के दे दिए कि ये भाई मेरा दोस्त है, तू भी आज के दिन अच्छे से ईद मना। यहाँ से आपकी सखावत का सिलसिला शुरू होता है कि एक छोटा बच्चा अपने दोस्तों का कैसा ख्याल रखता है। इसी तरीके से दोस्तों के साथ भी आप खेल कूद में ऐसी रिवायात चीज़ों में नहीं रहते थे, बल्कि दीनियात की बातों में और इल्म की बातों में ही ज़्यादातर अपना टाइम गुजारते थे। वालिद वालदा से की तरफ से बेफिक्राई थी और वालिद वालदा को भी ये इत्मीनान था कि हमारा बच्चा जो है वो इस वक्त काबिल है और उस पर किसी किस्म की कोई बदगुमानी नहीं आई। क्योंकि आपके जिस्म में जो खून दौड़ रहा था वो नजीफुत्तरफैन खून है। आपके वालिद ख्वाजा गयासुद्दीन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपकी वालिदा बीबी माहिनूर उम्मुल वरा, उनकी कुनिया थी उम्मुल वरा, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इसलिए आपको हसनी अल हुसैनी शहजादा भी कहा जाता है। आप इमाम हुसैन, आपके वालिद हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपकी वालिदा माजिदा बीबी माहिनूर उम्मुल वरा, जिनकी कुनियत उम्मुल वरा है, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपके वालिद वालदा जब आप पैदा ना हुए तो जिस मकान में रहते थे, एक रात आपकी वालदा ने ख्वाब देखा कि मेरे सीने के ऊपर दो फूल गुलाब के पड़े हुए हैं। अपने शौहर को हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन को बताया तो आपने कहा कि हमारे घर में अल्लाह ताला की तरफ से शहजादा आने वाला है और जिस जगह वो जाएगा वो गुलाब की तरह बहकेगा और वहाँ गुलाब ही गुलाब पैदा होगा। इस वजह से आज हिंदुस्तान के अजमेर शहर में और जहाँ पुष्कर गांव हैं
वहाँ पर गुलाबी गुलाब पैदा होता है, बड़ी कसीर तादाद में होता है। इसके अलावा इतनी बड़ी तादाद में कहीं और नहीं होता है। जो ख्वाब देखा गया था वो ख्वाब यहाँ आकर सच हो गया। आपके वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, आपकी वालिदा इमाम हसन की औलाद में से हैं, इसलिए आप नजीफुत्तरफैन सैयद कहलाते हैं। नजीफुत्तरफैन सैयद सिर्फ वो होता है जिसके वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद हों, जिनकी वालिदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हों, ना कि जिसके वालिद इमाम हुसैन की औलाद में से हों और वालिदा भी इमाम हुसैन की औलाद में से हों, वो नजीफुत्तरफैन नहीं होगा। जिसके वालिद इमाम हुसैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हों और वालिदा इमाम हसन की औलाद में से हों, वो भी नजीफुत्तरफैन नहीं होगा। नजीफुत्तरफैन सिर्फ वो होगा जिसके वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हों और वालिदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हों, सिर्फ वो अकेला ही वाहिद जो है नजीफुत्तरफैन होगा। और वो वाहिद सरकार गरीब नवाज की ज़ात गिरामी है जो नजीफुत्तरफैन सैयद है, क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत से ये मरतबा उनकी औलाद को मिला है जो नजीफुत्तरफैन सैयद कहलाते हैं। बचपन से ही आपको पढ़ने का शौक था और पढ़ते पढ़ते आप हाफिज कारी मौलवी मुफ्ती की तमाम डिग्रियां हासिल कर चुके थे। क्योंकि ज़माना बड़ा तवील था, हालात साजगार नहीं थे, और इन हालात के अंदर आपने परवरिश पाई और उसके बाद में हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया और कुछ वक्त बाद में हज़रत बीबी माहिदुल वरा का इंतकाल हो गया। विसाल फरमा गए और उसके बाद में आप बागवानी करते रहे, क्योंकि छोटी उम्र थी और रिश्तेदार कम थे, क्योंकि अफरत तफरी में सब लोग इधर उधर भाग गए थे और जायदाद ज़्यादा थी। इस लिहाज से आप जो है छोटेपन में थे, तो आपके भाई ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेसी आपकी मदद करने गुरदेस से आए, कुछ अरसे यहाँ रहे और उसके बाद में आपको तमाम काम काज समझाया और रिश्तेदारों से मुलाकात कराई और उसके बाद में ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेसी चले गए। उसके बाद कुछ अरसे तक रहने के बाद हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह जो एक मस्जूब थे, वो आपके बाग के दरवाजे पर आकर खड़े हुए, तो आपने देखा कोई फ़कीर दरवेश मेरे बाग के दरवाजे पर आया, आप गए उनको लेकर आए, अपने बाग में बिठाया और पानी वगैरह पेश किया। और बाग कंदारी अनार होते थे, वो अनार आपने लाकर उसे बंद पेश किए। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने वो आप अनार खाए और उसके बदले में अपनी जेब झोले से खल निकाली, खली जो होती है जानवरों को दी जाती है बाटे, उसको निकाली और अपने मुँह में चबाई और चबाकर सरकार गरीब नवाज के मुँह में डाल दी। तो उसको खाने से आपको एक रूहानियत हुई, एक कश्फ हुआ, आपके अंदर जो है जज्बा जागने लगा और दुनिया से नफरत होने लगी। दुनिया बदकारी बदफेली में है और खुदाई कायम रहेगी, क्यों ना खुदा का तलाश किया जाए। तो आप जो है खुदा की तलाश में निकल पड़े, अपना बाग और पवन चक्की बेच दी, उसका पैसा गरीबों बेवाओं मिस्किनों में तकसीम करके कुछ पैसा हज के लिए रखा, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात के फर्जंद हैं दूसरे नंबर के, और उनके साहबजादे इमाम हुसैन राबिदी रज़ी अल्लाह ताला, उनके साहबजादे इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला, उनके साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, उनके साहबजादे इमाम मूसा कासमी, इसलिए आपका काजमी सैयद कहलाते हैं, आपकी गोश सैयद काजमी कहलाती है। और इमाम मूसा काजमी के ही औलादों में ज़्यादा सैयद हैं, उन्हीं की नस्ल ज़्यादा चली है। इसलिए सरकार गरीब नवाज की गोद सैयद काजमी, आपके भाई ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेसी की भी गोद सैयद काजमी है, इस लिहाज से काजमी सैयद कहलाते हैं। लोग सोचते हैं काजमी कहाँ से आए, कैसे हुए, तो उनको मालूम तो होती नहीं है। चिश्तिया तो सिलसिला है, लेकिन जो सैयद हैं हम लोग वो तमाम इमाम मूसा काजमी की औलाद हैं, उनको काजमी सैयद कहा जाता है।